हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्क्रीन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और उस दिन हमने सीखा था 99 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आज हम नया सीखेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो कैसे करेंगे, ठीक है, अगर हमें 999 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अभी तक हमने 99 से मल्टीप्लाई करना सीखा था। 999 से देखिए, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, हमने एक नंबर ले लिया 998 और इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से, ठीक है। और देखो कैसे करेंगे, जैसे उसमें सीखा था कि हमें एक कम करके लेना है तो इसमें से एक कम करके ले लेंगे और ये वाला नंबर सीधे इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, ठीक है, समझ में आया। इस नंबर से एक कम लीजिएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 999 को उससे एक कम लेके वही नंबर जो माइनस करके आएगा वो घटा लेंगे, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा, फिर मजा आया होगा आपको। जैसे हमने 999 से किया था सेम वही प्रोसेस रखना है आपको। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे हमने लिखा 687, इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इससे एक कम ले लो, कितना हो गया 686, और इस नंबर को इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। तो 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, ये इसका मल्टीप्लाई था, पता ही आया मजा। आई होप मजा आया होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है आपको पढ़ाई में इंटरेस्टिंग थोड़ा बना के दूं। अब आप देखिए इनका मल्टीप्लाई कितना फास्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूंगा मल्टीप्लाई की, जैसे आप फास्टली गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो इसको रिमूव करते हैं और अगला एग्जांपल लेते हैं। आपको पता ही हो गया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ऐसे ही चार बार 9999 हो, फिर भी हमें वही तरीका लगाना है, एक कम करके उस 9999 से माइनस कर लेना। जितनी बार भी 9 हो, अगर उस 9 से मल्टीप्लाई करना हो, उस 9 वाली रिपीटेशन से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमेशा एक कम करके वो नंबर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो रूल यही रहेगा चाहे कितना भी बार 9 हो, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, आगे एग्जाम्पल पे और चलते हैं। चलिए ठीक है, एक नया एग्जाम्पल और लेते हैं हम। हमने ले लिया 178 और इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो हमने क्या बोला, इससे एक कम ले लो, एक कम लेंगे तो कितना हो गया 177, और इसको इसमें से माइनस कर लो तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहां से कितना बचा 2, और 8 में से एक गया, सॉरी 9 में से एक गया 8, कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 177,822, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। बताइए कितना फास्ट कर सकते हैं हम, और आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिएगा, हमने मल्टीप्लाई किया 98 को 99 से, या 99 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 99999 से, ठीक है। तो इससे एक कम लेंगे, कितना हुआ 98, और इसमें से माइनस कर देंगे 98, तो यहां से देखिए 8 में से 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 9 ऐसे ही उतार लिया, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो अच्छा लगा हो आपको, कोशिश मेरी यही रहती कि अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। तो आई होप आपको 9999 हो तरीके वही लगाने, चाहे 999 हो, चाहे 999 हो, चाहे 499 हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप समझ में आएगा, आया होगा आपको। तो एक एग्जांपल चार नंबर वाला भी मैं समझा दे रहा हूँ, जिसे आपको ये पता रहेगी यहाँ चार बार 9 आ गया तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल और समझाता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए देखिए, अगर हमें ऐसा नंबर मिले चार बार 9 हो तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा 9 9 9 और 9, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से ले लो, 7 8 4 3, ये नंबर ले लिया, तो हमें क्या करना है, इसे एक कम लेना है, कितना ले लिया 2 ले लिया, और 7 ऐसे उतार लो, 8 ऐसे उतार लो, 7 ऐसे, और ये इसमें से सीधे माइनस, तो यहां से 9 में से 2 में से 9 गया 7 बचा, यहां से 9 में से 7 गया 2 बचा, यहां 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, ये इसका मल्टीप्लाई था, ठीक है। कितनी बार भी 9, अगर हमने 9 9 9 लिख लिया, चार बार लिखा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, हमने कोई भी नंबर ले लिया 8 7 5, ये नंबर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो कितना कम, एक कम ले लिया, और ये नंबर सीधे इसमें से माइनस,
तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 9 जो बचा वो ऐसे ही उतार दिया। ये रहा इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी आपको अच्छा ही लगे। ठीक है, तो आगे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी तरह की एक नई ट्रिक के साथ। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और वीडियो को आप कोशिश रहेगी मेरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।